अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम अगेन टू अ न्यू सीरीज ऑफ वीडियोस फ्रॉम केपी गोट फार्म। आज हम लोग केपी गोट फार्म के शो पे है और आपको एक से एक बकरे दिखाएंगे इंशाल्लाह। कुछ बकरे अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, और भी काफ़ी बकरे एक एक करके इंशाल्लाह दिखाई देंगे विद डिटेल्स एंड प्रॉपर वेट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। माशाल्लाह पूरा पैनल है यहाँ पर और काफ़ी हमारे ऑडियंस में भी लोग हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। एक बार मोइन भाई बता देंगे कि आज क्या क्या देखने वाले लोग और क्या होने वाला है यहाँ पर। आज लोग देखेंगे कि अहमदाबाद के अंदर इंशाल्लाह जो बकरे का मॉल है केपी गोट फार्म जी, उसके अंदर आपको हर चीज के बकरे देखने मिलेंगे। और अल्लाह के करम से इस बार छोटे आदमी से लेके बड़े आदमी तक जो भी हो अपनी लिमिट में कुर्बानी करते हैं, हर रेंज के बकरे उनको यहाँ पर देखने मिलेंगे और बिल्कुल सेटिस्फाइड होकर अपने प्रोडक्ट को ले जा सकेंगे यहाँ से। सही है। तो जो बकरे अभी ये सजा सजा के हम दिखाने वाले हैं, ये तो नॉट फॉर सेल है, ये साल भर पले हुए बकरे हैं यहाँ पर। सही है। इनके ओनर्स भी यहाँ मौजूद है, इंशाल्लाह मिलाएंगे और इनका क्या क्या वेट आया है वो सब देख लेंगे एक एक करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आसिम भाई। ऐसा सच धज के मैं बकरे देख रहा हूँ और जो हिसाब से पैनल बैठा है सब कुछ, ऐसा लग रहा है मैं कोई बाहर देश में हूँ। बहुत अच्छे से किया है प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बकरा हमारे भाई का है। अस्सलाम वालेकुम। भाई सबसे पहले आपका नाम बताएं लोगों। आफरीदी खान साहब, माशाल्लाह। जैसे आप भी खान साहब हैं और बकरा भी एकदम खान दिख रहा है, एक नंबर, क्या बात है। तो ये बकरा आपने कभी लिया था केपी गोट फार्म से? ये अभी 5 दिन हुए करीबन। अच्छा, अभी आपने परचेस ही किया इसको? यस। माशाल्लाह दोस्तों, ये अपने यहीं पला हुआ है और आपने यहीं से खरीदा? जी जी जी, क्या बात है। मुस्लिम भाई से भी इसकी डिटेल लेंगे, आपको ही पता होगी क्या वजन और क्या हाइट पे बकरा है। ये 45 हाइट है और इसका वजन करीबन 47 हाइट है और इसका वजन करीबन 123 के आसपास है। 123 के आसपास का बकरा है माशाल्लाह। और हाइट भी देखें आप लोग, बहुत ही लाजवाब बकरा है माशाल्लाह। और फार्म का सबसे हाइटेड बकरा ये है। अच्छा, ये सबसे हाइटेड बकरा है अल्हम्दुलिल्लाह। सो ये कब लेके जाएंगे आप घर पे? ये इंशाल्लाह 5-7 दिन पहले कुर्बानी। अच्छा, 5-7 दिन पहले लेके जाएंगे, माशाल्लाह। सब देखने आएंगे, एकदम लाजवाब बकरा है, क्या बात। चलिए, तो ये पहला बकरा देखे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भाई, अल्लाह कुर्बानी कबूल करे। चलिए, ऑडियंस में भी हम कुछ बातें करेंगे इंशाल्लाह और आपको एक रिव्यू देंगे। मोइन भाई, ये अपने फार्म का सबसे हाइटेड बकरा है। हाइटेड बकरा है और इंशाल्लाह इसकी हाइट जो पंजाब में आती है वो एक्सट्रीम हाइट पे आ चुका है फिलहाल, क्या बात है। और ये बकरा अभी भी देखो ना, इसके पैर के अंदर इतनी जान है, अगर कुर्बानी नहीं करके एक साल और खींचना हो ना तो ये बकरा खींच सकता है एक साल और, क्या बात। लेदर देख लिया, अभी भी खींच रहा है पूरा, सॉफ्ट एंड से दिखता है आपको, बहुत शानदार। और हाइट के हिसाब से बकरा माशाल्लाह और तैयारी पूरी बता सकता है। सही है। तो ये तो पहला बकरा देखे हमने और भाई से बात ना, मोहसिन मेरे को पूछना बकरे का नाम क्या रखा था तो इस बार। हाँ, शेर खान नाम है इसका। सही। थोड़ा सा ऑडियंस को भी इन्वॉल्व करते हैं अभी अगले बकरे में इंशाल्लाह। बकरों को ऑडियंस के बाद वजन भी पूछेंगे साथ साथ इंशाल्लाह। तो दोस्तों, हम लोग आज कुछ बकरे देखने वाले हैं यहाँ पर जो केपी गोट फार्म पे ही तैयार हुए हैं माशाल्लाह। इसमें से मुस्लिम भाई, बकरे बिक चुके हैं कि एक बकरे बेचने हैं? नहीं, ये सारे बकरे बिक चुके हैं जी, पलाई पे रहे हुए बकरे। सही है। तो अभी इस साल इंशाल्लाह कुर्बानी हो जाएंगे। सही। ये बकरे दिखाने का मकसद है कि यहाँ की तैयारी, बकरों ने कैसा वेट गेन किया, बकरे कितने फिट एंड फाइन है, ये सारी चीजें देखेंगे हम लोग। तो एक एक बकरे की डिटेल आपको बताएंगे हम लोग और कुछ बकरों का वजन भी कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है मोहसिन भाई। तो ये दूसरा बकरा देख रहे हैं हम लोग, ये किसका बकरा है मोहसिन भाई? एक अपने कस्टमर है जो बाहर रहते हैं, इंडिया से बाहर है, उनका है। सही है। तो ओनर तो नहीं है यहाँ पर, तो अगर आप में से ऑडियंस में से कोई भी 3 जन रैंडमली इसका वेट गेस कर सकते हैं क्या, तो हाथ उठाइए, मैं पूछ लूंगा फिर। ये बकरे का वजन क्या होगा भाई? थोड़ा घुमाओ इसको जुम्मल भाई। ये बकरे का वजन क्या होगा आपके अंदाज से, कोई जज कर, कोई गेस करना चाहेगा? आइए आइए, आ जाइए आप। और 2 जन चाहिए मुझे। वालेकुम अस्सलाम भाई, मेरे हिसाब से 140 के आसपास। हमारे भाई, पहले अपना नाम बताएं लोग। शेख तौफीक। ये हमारे तौफीक भाई है, 140 140 140 गेस किया। और कोई एक जन भी चलेगा? भी
एनीवन फ्रॉम द ऑडियंस जी आइए, हमारे भाई वॉलंटियर लिया है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले आपका नाम बताएं लोगों को। शाकिब। हमारे शाकिब भाई आए हैं फ्रॉम अहमदाबाद। शाकिब भाई, ये बकरे का आपको क्या वेट का गैस है? 130। तो शाकिब भाई 130 और 140 तौफीक भाई। तो आइए और बकरे का वजन करते हैं। चलिए जुमल भाई, तो सबकी नजरें देखते हैं अभी कितना वजन आता है बकरे का। और बकरे का वजन आया है 133। तो जो भाई ने 130 बोले ये उनके हिस्से में जाएगा। तो 130 हमारे भाई ने बोले, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। शुक्रिया भाई। ये हार जीत की बात नहीं है, ये फन के लिए है। और हमको सबसे पहले मोहसिन भाई उनकी टीम की हौसला अफजाई करनी चाहिए। 100 किलो के ऊपर बकरा जाना भी एक बहुत बड़ी बात है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की मेहनत के लिए। और जिन भी भाई का है अल्लाह उनकी कुर्बानी कबूल करे, ठीक है। तो दोस्तों तीसरे बकरे की तरफ जाते हैं अभी हम लोग। आइए भाई, आप मॉडल पे काफी काम किया है। मुस्तकीम भाई अस्सलाम वालेकुम। सलाम आसिम। मुस्तकीम भाई, मेरे एक दो सवाल हैं। आप खुद बकरा पालते हैं, आपके दोस्त पालते हैं सब, 100 किलो के ऊपर बकरा जाना कितना मुश्किल है कितना आसान है? बहुत मुश्किल है आसिम भाई, 100 किलो बकरा ले जाना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन पूरे गुजरात की बात करूंगा मैं, के केपी गोट फार्म एक बड़ा नाम है। हाँ, जो आपने गुजरात मॉडल के नाम से हमने चलाया पूरा गोट फार्मिंग में, तो केपी गोट फार्म के बिना गुजरात मॉडल पूरा हो ही नहीं सकता। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। क्योंकि 120 किलो 100 किलो हर जगह पे बकरा आपको मिलेगा, लेकिन क्वांटिटी में मिलना ये बड़ी बात है। सही। और ये मोहसिन भाई का शुरू से शौक है, क्योंकि बेचने तो हर आदमी 200-300 बकरे ला सकता है 100 केजी का, लेकिन बना के बेचना ये बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुस्तकीम भाई। और एक दो बकरे और दिखाएंगे मुस्तकीम भाई के साथ में। ये बकरे का क्या डिटेल है और किस किन भाई का बकरा है? ये बकरा अहमद भाई का, जो पुणे से, ये उनका बकरा भी पे जाएगा कंपनी से इंशाल्लाह। अहमद भाई भी यहाँ पर नहीं है, तो फिर भी एक वजन कितना है इसका? 135 किलो होना चाहिए इंशाल्लाह। ओके, 135 किलो। जब आया था क्या वजन पे था? 85 किलो का था। 85। तो ये मेहनत और ये जर्नी बहुत इम्पोर्टेंट है माशाल्लाह। ठीक है, तो ये अहमद भाई का बकरा थोड़ा चला फिरा के दिखाइए आप, और एक बार इसका भी वेट करके फिर लो। बहुत ही नायाब, सब लोग माशाल्लाह बोले और दुआ करें वो भाई के हक में जिनके यहाँ ये कुर्बानी के लिए जा रहा है माशाल्लाह। एक बार इस्माइल भाई इसका वजन कर लो आप, और फिर ये बकरे को जाने देते हैं और नेक्स्ट बकरा आएगा। आइए मुस्तकीम भाई, देखते हैं इसका वजन। सही है, 136 केजी माशाल्लाह, 136 किलो। बनावट भी देखे आप लोग, बहुत उम्दा माशाल्लाह। जाने दीजिए इसे, खुद ही जान दो, क्या बात है। चलिए नेक्स्ट बकरे ले आते हैं, अभी एक दो बकरे और दिखाते हैं आपको। और दोस्तों दिल थाम के बैठिए, क्योंकि आपको आज आई होप 150 किलो के भी ऊपर बकरा देखने मिलने वाला है। सेल्फ फीडिंग पे ये वसीम भाई करके लजीज होटल वाले, फ्रॉम अहमदाबाद। माशाल्लाह, ये बकरा और पीछे खड़ा है वो, ले आइए उनके दोनों बकरे ले आइए आप, थोड़ा घुमाइए भाईजान। ये भी तीनों बकरे उनके, तीन बकरे उनके दिखाएंगे अभी हम लोग, क्या बात है भाई। आपसे भी थोड़ा जानना चाहूंगा, हमारे माशाल्लाह गोट फार्म के माशाल्लाह एक से एक बकरे देख रहे हैं आप, क्या आप बोलना चाहेंगे केपी गोट फार्म के बारे में? बस वसीम भाई यही देखना चाहते हैं कि हम जब से आए तब से बकरे ही देखते हैं कि जितना वेट होता है
हमने भी अभी तय कर लिया है कि 50 बकरे हम भी डालने वाले हैं इंशाल्लाह। कंपटीशन बढ़ गया। ग्रेट, वाह, गुजरात के तूफान में काफी मजा आ रहा है। और जैसे भाई ने बोले कि ये मोटिवेट हुए आपसे, ये बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने मोहसिन भाई का काम देख के, इनका क्योंकि बहुत बड़ा ब्रीडिंग सेटअप है अल्हम्दुलिल्लाह, उसके साथ साथ ये कुछ बकरे पालेंगे भी अपने नेक्स्ट सेटअप पे। अल्लाह आपको कामयाब करे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तीनों बकरे हमारे कौन भाई के? वसीम भाई के। वसीम भाई के हैं। क्या वेट के बकरे होंगे ये? असीम भाई वो वाला होगा 140। ये क्या, उसको घुमा के दोस्तों, 140 किलो, 140 केजी, माशाल्लाह। डाल दो जुमल भाई अंदर, 140 किलो, 140। अराउंड 138 कांटे पे आ रहा है, फ्लक्चुएशन कैन बी 1 or 2 केजी का भाई। सो दोस्तों, बकरा देखा आपने, पहला बकरा, और दो बकरे हमारे भाई के, बनावट देख ले आप एक बार बकरे की, शाइनिंग देख ले बकरे की माशाल्लाह, और इसका एक्टिवनेस देखना भी आप, ये देखें। एट दिस वेट बहुत मुश्किल होता है चलने में भी, लेकिन फिर भी सारे बकरे काफी एक्टिव है। ये बकरा क्या वेट का होगा भाई? ये करीब 135 होगा आराम से। सही है। और वो वाला? वो वाला भी करीब 132-135 होगा। सही है। चलिए ये एक बकरा हम लोग वेट कर लेते हैं दोस्तों। इसका कलर देखें आप, बहुत ही उम्दा। यस, 132-133 तक पकड़ा है माशाल्लाह। कलर देखें बकरे का आप लोग, इनका हैंडलिंग और मैनेजमेंट भी बहुत मुश्किल होता होगा ना मोहसिन भाई? बहुत टफ रहता है, वेट 100 किलो पास जाने के बाद बहुत टफ होता है बकरा। सही है, लेना वहां पर। और दूसरा क्या रहता है कि हाजमा है, पैरों की मजबूती है, वो सारा भी बहुत टफ होता है। और थोड़ा गर्मी के बारे में भी बताएं आप, समर में क्या ये वेट लूज करते हैं? समर में इनको जितना खुला रखते हैं ना, और जितना मट्टी वाला एरिया रहता है, इतना इनको अच्छा रहता है, नहीं तो ज्यादा भीड़ में तुरंत वेट लॉस हो जाता है। आपको और फिटिंग में भी क्या चेंजेस आते हैं छोटे बकरे और बड़े बकरे? फिटिंग में भी गर्मी में है, सर्दी में है, सब में चेंजेस रहता है। बारिश में है तो बारिश में भी सीजन आएगी तो वापस फिट चेंज हो जाएगी। सही है, हर सीजन की फिट अलग अलग है। सही है। तो हमने तीन बकरे देख लिए एक साथ दोस्तों, उसी में भी और भी कुछ बकरे देख लेते हैं वीडियो में, फिर जो चीज का लोगों को बहुत इंतजार है, हैवीएस्ट गोट, वो भी दिखाएंगे बहुत ही जल्द। जान दे रहे माशाल्लाह, वरक वाला गोट फार्म, मोहिन भाई वरक वाला। मोहिन भाई, कुछ बकरे देखे आपने, थोड़ा सा रिव्यू, मतलब बहुत ही मजा आ रहा है। सबसे पहला रिव्यू तो ये है कि 100+ बकरा पार करना आपको मुश्किल काम है, और 135 किलो उसके ऊपर गेन करने का, बकरे में इतनी एक्टिवनेस देखना, उससे मुश्किल काम उन्होंने प्रूव करके बताया। और 135 के ऊपर बकरे अभी भी देख लो हफ्ता पैरों पे चल रहे, सेल्फ फीडिंग बकरों के सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये। जैसे मैं बहुत जगह पे मोटे तगड़े बकरे देखता हूँ, वो हाइट नहीं लेते, इनके बकरों में दोनों चीजें हैं इनके पास। अब मैं शायद पूछूंगा तो ना, मतलब वो तो अपना अपना फॉर्मूला होता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई। इनके पास दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि जो बकरे की जो चॉइस करते हैं ना, और जो बकरे की चॉइस जो उनके पास है, जो अजमेर है, जो बॉर्न ब्लड उनके पास, हाइट तो एडवांटेज भी रहता ही है। सही है। और वो इंशाल्लाह पंजाब और अजमेर को हाइट में और पैर की ताकत में मुश्किल से कोई बकरा लगते हैं। सही। और जैसे किसी बहुत बड़ी शख्सियत ने कहा था कि बकरे फीट से नहीं, ब्रीड से बनते हैं, तो ब्रीड बहुत इम्पोर्टेंट है। ब्रीड सबसे इम्पोर्टेंट हर चीज में, ब्रीडिंग सेटअप में भी हो, या फिर पलाई का काम में हो, या फिर ये जो बकरा इसके बकरों के जो काम में जो लेते हो, ब्रीड सबसे पहले काम करेगी। सही है। ब्रीड बिगर ये फील्ड में काम करना बहुत मुश्किल है। सही कहा आपने। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी और कितने बकरे आ रहे हैं मोहसिन भाई? एक ही कस्टमर है जिनके 6 बकरे, और वो भी यहाँ मौजूद है। सही है। तो 6 बकरे निकालते हैं, उनको बुला लेते हैं, अगर वो है क्या यहाँ पर है, वो आजा आजा। क्या नाम है भाई का? हमारे इम्तियाज भाई के बकरे हैं। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज भाई, कितने बकरे हैं आपके यहाँ पर? 6 बकरे हैं, पूरे 6 बाहर आने वाले हैं अभी।
माशाल्लाह। कब से है रखे हैं 6 बकरे यहाँ पर? अच्छा, मतलब एक साल से बकरे यहीं पर? ये रमजान में नहीं? तो आपने बकरे रमजान से परचेस किए हैं? सही है, 6 बकरे दोस्तों। तो ज्यादा वेट में डिफरेंस तो नहीं आया होगा अभी? नहीं, कुछ भी नहीं, और मजा आया। अच्छा, और गेन करा? वेट और गेन किया? मतलब रमजान से अभी 1.5 महीने में बकरों ने वेट गेन किया? अच्छा, एक अंदाजा बता सकते हैं कितना वेट गेन किया बकरों ने? मतलब लगभग गर्मी के अंदर भी इन्होंने 10 किलो वेट गेन किया है, माशाल्लाह। तो दोस्तों बकरे लाएंगे अभी, और एक सही है, मिक्स बकरे माशाल्लाह। पहला बकरा आ गया हमारे भाई, घुमाओ पहले इसको यहाँ पर, क्या बात है, बहुत जबरदस्त। सेकंड पंजाबी, कलर बहुत अच्छा है पंजाबी का माशाल्लाह, व्हाइट कलर में विद रेड। ओहो, क्या खूबसूरत भाई। मुस्तकीम भाई, सोजन के बारे में आप बोलो। माशाल्लाह बच्चा है, अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी बनावट भी अच्छी है माशाल्लाह। बहुत बहुत चूस किए हुए बकरे अल्हम्दुलिल्लाह। मोहसिन भाई, कौन सी ब्रीड में सोजे थे? ये सोजे थे, मैंने काफी वीडियोस में आपको पूछा हूँ, देखते आज सही जवाब मिलता है क्या। आपके सोजक बकरे इतना हाइट गेन कैसे करते हैं? ब्रीड अलग देता हूँ, इल्लो की ब्रीड और हमारी ब्रीड में फर्क है। मतलब फीट का काफी काफी अहम रोल है, देखिए आप। कुछ तो नस्ल का भी रहता है जी, कुछ नस्ल का भी फर्क रहता है, फीट का भी रहता है। सही है, ब्रीड इज आल्सो इंपॉर्टेंट एंड समटाइम्स फीड आल्सो। तो दोस्तों 3-4 बकरे आ गए, एक और बकरा आ रहा है अभी। मोहसिन भाई, ये पूरे बकरे आपके? ये 5 रहे, ये एक बकरा बाहर से आया हुआ है, वो पीछे मुंडा मुंडा, ये सारे 5 मेरे यहाँ के। सही, इन्होंने तो आई थिंक रमजान में ही परचेस किए बकरे, कुछ रमजान में लिए थे, कुछ रमजान के थोड़े से पहले लिए थे, और इनके हिसाब से काफी अच्छा वेट गेन। आगे लो बेटा, कौन से बकरे ने सबसे अच्छा वेट गेन दिया मोहसिन भाई? ये जो इस्माइल के हाथ में बकरा है ना, वो वाले सबसे अच्छा वेट गेन दिया। So, एक वो बकरे को हम लोग वेट करके देख लेंगे, कलर देखो ये बकरे का। इस्माइल भाई, वो बकरे को वेट कर लो आप, माशाल्लाह। कितना आया इस्माइल भाई? 120 किलो दोस्तों। क्या वेट पे लिए थे याद है आपको? 107-108 केजी पे खरीदा हुआ बकरा है, रमजान रमजान महीने के अंदर, रमजान के मुबारक महीने के अंदर माशाल्लाह। सो दोस्तों एक और बकरा भी दिखाता हूँ आपको, जिसका वेट कर लेते हम लोग, लेकिन ये बकरे के लिए भी अगर कोई वॉलंटियरली, भाई आगे लो बकरे को, इधर उधर उधर जाओ, वॉलंटियरली अगर कोई वेट इसका गेस करना चाहे तो कोई हमारे भाई? असगर भाई, क्या वजन होगा एक अंदाज? 125। और कोई भाई है? 110 किलो। चलिए लाइए लाइए भाई, हमारे एक भाई ने बोले 110 और असगर भाई ने 125। आई से अराउंड 115। वाह, क्या बात है। 110 ही बोले थे, 110 ही आया माशाल्लाह, क्या बात है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपके बकरे देख के काफी अच्छा लगा, अल्लाह को कुर्बानी कबूल करे। चलिए इनके बकरे भी ले जाते हैं, बकरे बाहर से लाके भी अच्छा ग्रोथ लिए। तो मोहसिन भाई से गुजारिश करूंगा, बकरे आए हैं माशाल्लाह, क्या बात है, बहुत मेहनत किए हैं सजाने में भी, इनकी तो रील्स बननी चाहिए और रील्स काफी फेमस भी होंगी इंशाल्लाह। इनकी थोड़ा सा घुमाएं, लोगों को एक क्लोज व्यू मिलेगा इंशाल्लाह। ये बकरा जिन जिन को पसंद आया वो एक बार जोरदार तालियां बजाते, क्या बात है। ओ आराम से लेके जाइए, पहले 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 सबको दिखाइए पहले बकरा, आराम से।
दोस्तों एक क्लोज व्यू ले लें आप। मोहसिन भाई नस्ल क्या बोलेंगे इसकी? अजमेरा तोतापुरी क्रॉस है ये अजमेरा तोतापुरी क्रॉस बकरा है। ये कब आया था आपके पास? ये पिछले साल लिया था और 87 या 85 किलो का था ये बकरा। 85-87 केजी पे हमारे केपी गोट फार्म पे बकरा आया था और ये फिर सेल हुआ है कोई भाई को? सेल हुआ। आज अभी ये जाएगा इंशाल्लाह अपने प्रॉपर घर पे, उससे पहले एक बार देख लेते हैं क्या वजन पे। साल भर इसने कैसा ग्रोथ दिया आपको भाई? बहुत अच्छा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब अभी बीच में लास्ट ईयर तो अरे फरवरी में बीमार भी पड़ गया था बकरा, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह वापस सही हो गया। सही। हनी भाई एक बार इसका वेट कर लेते हम लोग। दोस्तों इसका गैस, एक मिनट कोई अगर इसका गैस करना चाहे तो वॉलंटियरली प्लीज। 140 एक नंबर, कुछ भी एक नंबर बोलिए। 147। और हमारे भाई ने कितना बोले? 140-147। कोई और एक जन? 150। सही, वाह मोटिवेशन बढ़ते जा रहा है अपना। सही है, चलिए वेट करते हैं इसका। माशाल्लाह अल्लाह नजर बच्चे बचाए, बहुत खूबसूरत। मोहसिन भाई आपको क्या लगता है? 148 होगा। वाह, दुआ करें 150 निकल जाए तो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज बनेगा इंशाल्लाह। 137 दोस्तों, 137। चलिए डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है। 137 इज आल्सो अ वेरी बिग नंबर। प्लीज थोड़ा क्लैप ये बकरे के लिए 137। और मेहनत केपी गोट फार्म के एम्प्लॉयज की, इतने अच्छे से उसको सजाया गया। सीताराम भाई एक मिनट रुक जाइए। अस्सलाम वालेकुम सभी हाजरात, से गुजारिशी है ये बकरे के लिए एक बार आप दिल से माशाल्लाह जरूर बोलते। क्या बात है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये बकरे को भी ले जाइए और नेक्स्ट बकरे को लेके आते हैं। लाओ ले आओ भाई, कम निकल जाएगा, एक्सपेक्टेशन ज्यादा थे। सो दोस्तों दो तीन बकरे और आ रहे हैं अभी। ये भी कस्टमर्स के बकरे हैं? हाँ ये भी कस्टमर्स के बकरे। वाह, तीनों एक ही जने के, तीनों बकरे एक ही जने के, और वो अभी यही से शायद चले गए। हाँ चले गए शायद। सही। तो दोस्तों तीनों बकरे देख ले आप, ये हमारे एक ही भाई के, इमरान भाई नाम ना, इमरान भाई के तीनों बकरे माशाल्लाह। ये बहुत ट्रस्ट की भी बात है कि लोग इतने बड़े बकरे आपके पास पलवाते हैं, मतलब एक जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है इतना बड़ा बकरा आता है। सही है, सामान्य तीनों बकरे काफी उम्दा है, कलर कॉम्बिनेशन। ये अपने यहीं से सेल हुए थे कि बाहर से लाए थे? तीनों बाहर के लिए हुए, मेरे यहाँ आपके यहाँ से नहीं थे। सही, तो किसका वजन करा लेते मुस्तकिम भाई? चलिए आप बताइए क्या वजन होना चाहिए मुस्तकिम भाई? 135 बोल रहे मुस्तकिम भाई। चलिए आइए ये एक बकरा वजन कर लेते हैं बस। बहुत एक्टिव माशाल्लाह, आप देखें इतना हैवी बकरे में एक्टिवनेस देखें। तो आप बेल्ट पकड़ के रखो, चलेगा आराम से। 117.9 चलेगा। शॉर्ट बॉडी में भी इतना वेट होना आई थिंक इट्स अ बिग थिंग। और ये जो बकरा भाई पकड़े फारूक भाई, इसकी हाइट क्या होगी? इसकी आराम से ऐसी मैं 43 हाइट होगी आराम से। ये बकरा देखे आप लोग, इसको ले जाइए। 43 होगी। थोड़ा बकरे के बारे में और आप बताएं, 43 हाइट का सोजत। ये बकरा मेरे पास 95 किलो का आया था लास्ट ईयर, लेकिन इसकी पीछे की चाप खिसक गई है पैर में। अच्छा, तो जब से थोड़ा बहुत वेट गेन में थोड़ी तकलीफ आ रही है, लेकिन फिर भी ठीक है, मतलब बकरा चल फिर रहा है, तो बिल्कुल बैठ गया था बीच में बकरा। सही है, मतलब चैलेंजेस भी बहुत सारे आते हैं, ऐसा नहीं कि हर बकरा ही बन जाता है, चैलेंजेस भी बहुत सारे आते हैं, वो भी शेयर किए। ये है ट्रांसपेरेंसी केपी गोट फार्म की। और ये एक और बकरा है, ये कब आया था और इसने कैसा ग्रोथ दिया आपके यहाँ? ये भी साथ में इसके आया था,
ये तीनों बकरे एक साथ आए थे सही, उसमें ये 78 किलो का था ये बकरा, और आज आराम से 110-115 पे तो हो गए। चलिए तो ये तीन बकरे देखे हमने, एक का वेट करके फटाफट बता देते हैं आपको। एक सौ 113 किलो, 113 कलर कॉम्बिनेशन देखे बकरे का, बहुत शानदार। चलिए वाह, एक बार राउंड, क्या बात है भाई, बहुत शानदार। हम जो भी लोग आज यहाँ बैठे हैं माशाल्लाह सब गोट लवर्स हैं, सब बकरों से काफी मोहब्बत करते हैं, इसलिए आज हम लोग सब यहाँ पर मौजूद हैं। और देख के काफी अच्छा लगता है कि कोई फार्म या कोई लोग मेहनत करके बकरे पे उसको यहाँ तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं अल्लाह की मर्जी से माशाल्लाह। वाह, पूरा साइज फ्रेम इसकी हाइट बकरे में मुझे नहीं लगता कि कोई कमी है। रसूल भाई को मैं बुलाना चाहूंगा एक कुछ सेकंड्स के लिए, थोड़ा ये बकरे के बारे में रसूल भाई बताएंगे, द ओनर ऑफ माशाल्लाह गोट फार्म, वन ऑफ द बेस्ट ब्रीडिंग सेटअप्स ऑफ इंडिया माशाल्लाह। तो हमारे रसूल भाई आ चुके हैं। रसूल भाई सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रसूल भाई आपने काफी सारे बकरे देखे, अभी ये बकरे के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे, थोड़ा बताइए लोगों को। माशाल्लाह अच्छा है बकरा, और यहाँ तो सब बकरे मैंने देखे अभी तक 100+ ही बकरे हैं, लेकिन सब बकरे फिटिंग में भी अच्छे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छे बकरे। और आपने एक बात नोटिस करी, 120-130 किलो का बकरा भी चलने फिरने भागने दौड़ने में सबसे एक्सपर्ट है। सब बकरे 100 के पार है, वो सब ऐसे ही। चलिए आपके अंदाज से क्या वजन होगा, मुझे पता है कि आपका जो ब्रीडिंग सेटअप है, एक अंदाज के लिए पूछ रहा हूँ। मेरे अंदर से तो ये 150 पार ही होगा। सही है भाई। अच्छा रसूल भाई के बारे में क्यों, मैं इंडिया में इंडिया जैसा ब्रीडिंग से तो किसी के पास नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, इसीलिए भाई ने नाम ही माशाल्लाह रख दिए, बार बार माशाल्लाह ही बोले हम। चलिए तो ये 150 आपको लगता है रियलिटी है? 145 सही है, 145 मुसीम भाई बोल रहे हैं, 150 हमारे रसूल भाई बोल रहे हैं, कोई और एक भाई 137। चलिए जुमल भाई बकरे को प्लीज आप वेट करके बताएं लोगों को इंशाल्लाह। वाह क्या बात है इंशाल्लाह, बहुत ही शानदार, आराम से छोड़ो बकरे को, छोड़ो 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 छोड़ो, बस बस छोड़ो, आराम से माशाल्लाह, he is one of the winner भाई, ये बकरा बहुत दिल जीत लिया इसने। आइए आप मुस्तकीम भाई, आपको कैसा लगा? नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छा बकरा था, लेकिन रसूल भाई ने एक अंदाज बताया उनका, लेकिन ये गलत अंदाज नहीं है उनका, कि 150 बोले ना उनका अंदाज नहीं है, फिर भी वो सही निकला है, मैं तो उनको विनर मानू। सही है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे मोइन भाई भी आ गए, मोइन भाई को भी बकरा बहुत पसंद आया है, तो दो लफ्ज इसके बारे में। किंग ऑफ केपी सो किंग ऑफ केपी नाम दिए दोस्तों, बादशाह ऑफ केपी, शानदार, क्या बात है, सही में ऐसा लग रहा है कि मैं कौन से फैशन शो में हूँ। वाह, ऑडियंस में से भी अगर कोई बकरे की खूबसूरती के बारे में दो वर्ड्स बोलना चाहे तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप लोग आके दो वर्ड्स बोल सकते हैं अगर आपको बोलना है, क्योंकि तारीफ करने लायक चीज है माशाल्लाह। क्या बात है, सो आप ही थोड़ी डिटेल्स बताएं इसके बारे में। ये फारूक भाई का बकरा है, ये अपने फ्रेंड भी है और खास क्लोज है, मतलब उनका बकरा है। फारूक भाई यहाँ पर है? नहीं वो यहाँ नहीं है। सही है, सो ये साल कुर्बानी के लिए, इंशाल्लाह ये कुर्बानी में जाएगा बकरा है। माशाल्लाह, इसका आप क्या वेट मान रहे भाई? उनको क्यों पूछ लो भाई का भाव, उनका बकरा है ना। कोई हमारा भाई हाथ उठा के उनके पास
150. आई वांट न्यू पीपल आल्सो दोस्तों. ये लाइन में कोई बोल ही नहीं रहा है. 145 और दो भाई ने 150 बोले. ठीक है, कहां पर नंबर बोलो आप. 150, चलो 155 मान लेते उनका. चलिए भाईजान, मौसम है कि हाथ भी ऊपर नीचे होते होंगे. माशाल्लाह 161, वाह क्या बात है. अरे यार क्यों डाल दिए, तो बहुत उससे लाना पड़ेगा था अपने. तो जान लो अभी अभी करते हैं. हाँ मैं क्या बोलता हूँ, हाँ मैं ना दूसरे मोबाइल से कर लेता हूँ, आप ले लो टेक ओवर कर लो. और है ना इसमें वो ट्रॉफी भी दे दो ना. हाँ इले तो बोलो तो अब आराम से ला. सही. So it was unbelievable. मुझे भी यकीन नहीं था मोहसिन भाई. हमारे भाई ने बोले ना. हाँ उधर से बोला था मैंने. भाई आप आइए प्लीज, एक मिनट लिए प्लीज, मानना पड़ेगा. लेकिन क्या बात है, बहुत उम्दा, जितनी तारीफ की जाए कम है. हम लोग तो सब बोल ही चुके हैं, कोई और बात करना चाहेगा. बकरे का जो ड्रेसअप है उसके बारे में आपका क्या कहना है, मैं आपको सॉल्व कर रहा हूँ. नहीं वो जो मैंने वेट देख लिया ना भाई, वो भूल गई. क्योंकि दोस्तों सेल्फ फिटिंग पे बकरा बकरा कोई भी तरीके की भराई पे नहीं है, ना अनाज की ना पत्ते की. ये बहुत बड़ी बात है. 162 तुला ना बकरा, 161 तुला बकरा, 161. जब भी YouTube पर मेरे हिसाब से सबसे सेल्फ फिटिंग के ऊपर नंबर वन बकरा होगा ये. वाह, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ. सेल्फ फिटिंग भराई नहीं, भराई पे तो मैंने 230 की जगह 225 किलो 240 किलो तक देखे हुए, लेकिन सेल्फ फिटिंग के ऊपर बकरे को तैयार करना टफेस्ट जॉब. क्या बात है, बहुत बड़ी बात है दोस्तों. 162 केजीज, तो इसके लिए क्लैप बनेगा नहीं बनेगा. केपी गोट फार्म, द बिगेस्ट फार्म ऑफ गुजरात भी बोल सकते हैं, द मॉल ऑफ गोट्स बोल सकते हैं आप. बहुत ही उम्दा बकरा. मैं चाहूंगा कि आप लोग एक बार बकरे के पीछे आ जाएं, तो एक बार उसके साथ फोटो भी हो जाएगा आप सबका. बहुत बहुत शुक्रिया. 162 केजीज. मोहसिन भाई ऐसे तो पूरी टीम का इन्वॉल्वमेंट रहता है, लेकिन आप मेन श्रेय तो बकरा भी वेट गेन में काफी अच्छा रहा, लेकिन आप क्या दो वर्ड्स बोलना चाहेंगे आपकी टीम के बारे में भी. अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत बहुत अच्छी हुई है बकरे पे, और आज करके दो आदमी की बहुत ज्यादा मेहनत रही है इसको तैयार करने में. दोनों लड़के जो हम लोग बुला लेंगे उनको भी, क्योंकि उनका मेन हक है यहाँ पर अभी. सो दोस्तों हमारे भाई जिन्होंने इन पे मेहनत करी माशाल्लाह, एक उस्मान भाई हैं और संजू भाई, जुबेर भाई. सही है, ये दोनों की काफी मेहनत रही है माशाल्लाह. ये बेचारा अपना खाना भी बकरे को खिला देता था. क्या बात है, तो एज अ कॉम्प्लीमेंट्री लाइक, क्योंकि हमने ट्रॉफी रखी है तो जो लोगों ने मेहनत की है उनको उससे नवाजा जाए तो बहुत अच्छा लगे. सही है, सो आप प्लीज ऑनर्स अगर करेंगे मोहिन भाई तो काफी अच्छा रहेगा. सही है, तो ट्रॉफी हम लोग तो दोस्तों ऐसी मेहनत करते रहे आप लोग, और इससे आपका आपके फार्म का नहीं पूरे इंडिया का नाम रोशन हुआ है आज, क्योंकि हमने डाल के देखे हेवीएस्ट सेल्फ फीडिंग गोट तो मुझे ये नंबर तक नहीं दिखा है जी. सो घर में होगा, मतलब हम उससे दो राय नहीं है, हो सकता है किसी के पास. लेकिन इतने बड़े फार्म के अंदर और इतने गोट हेवी में माशाल्लाह, केपी गोट फार्म की
बड़ी मेहनत है। सही, 162 केजी माशाल्लाह। आमीन आमीन, सही है। बहुत बहुत मुबारक हो मोहसिन भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। सही है, इंशाल्लाह। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा एक बार जुमल भाई इसको एक राउंड खिलाते हैं यहाँ पर और फिर अंदर ले जाएंगे। तो दोस्तों इसका नाम क्या है जुमल भाई? तो दोस्तों द हेवीएस्ट सेल्फ फीडिंग गोट आपने देखा माशाल्लाह, बहुत मजा आया। तो इसको अभी जाने देते हैं अंदर। इतनी सब मेहनत के पीछे जो वर्कर्स का हाथ है वो सब मेरे पास इधर बीच में आए बकरों के बीच में, बकरों को लेकर। सही, अगर वो आ सकते हो तो बेहतर रहेगा। उनकी पूरी वर्किंग टीम, कोई अंदर बाकी ना रहे। तो दोस्तों पूरी टीम ऑफ केपी गोट फार्म आपके सामने आ रही है माशाल्लाह, जिनकी मेहनत रही है, क्योंकि माशाल्लाह बहुत बड़ा फार्म है, सब अलग अलग बकरे संभालते हैं, बच्चे को ही संभालता है, ये पूरी टीम है यहाँ पर। मैं इस पूरी टीम को आसिम भाई जी एक ट्रॉफी देना चाहता हूँ। अगर मोहसिन भाई इजाजत दे तो ट्रॉफी में पूरी टीम को देना चाहता हूँ। प्लीज प्लीज आप जी मोहसिन भाई जब तक ट्रॉफी दे रहे हैं, लाइक अच्छी टीम मिलना भी बहुत बड़ी बात है और काफी मेहनत रही है आपकी और आपकी टीम की। बिल्कुल, और आपने एक्सपेक्ट किया था ये रिकॉर्ड के लिए? लास्ट ईयर जब अपना 156 हुआ था, जब भी मन में था इंशाल्लाह 160 क्रॉस तो करना ही है अगले साल। अब इंशाल्लाह इस साल 161 है तो बड़ी बात तो नहीं, लेकिन 165 क्रॉस करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सो दोस्तों आपको जैसे कि बकरे पल, आप भी यहाँ बकरे पलवा सकते हैं मोहसिन भाई के यहाँ पर, जो भी हमारे भाई वीडियोस देख रहे हैं केपी गोट फार्म के। क्या बात है, पूरी टीम के लिए वर्ल्ड कप है और बकरे को ही छुपा दिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, जजाक अल्लाह भाई, जजाक अल्लाह। और बकरे कौन से निकालने हैं? बस आगे कंप्लीट, तो फिर खाने का ही आप अनाउंस कर दो, खाना ही लगा। सो दोस्तों आप लोग